खबर उत्तर प्रदेश के कमिश्नरेट आगरा से है। व्यापारी के गोदाम से कपड़े के पार्सल चोरी करने की घटना में संलिप्त एक अभियुक्त को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, दिनांक 4/7/2024 को वादी द्वारा थाना कोतवाली पर सूचना दी गई थी कि दिनांक 13/6/2024 को वादी कपड़े के गोदाम से दुकान में ही काम करने वाले अवनीश और आशीष ने कपड़े के पार्सल चोरी कर लिए हैं। आज दिनांक 5/7/2024 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा गश्त चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी की घटना में संलिप्त अभियुक्त अवनीश को सिटी स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 10 बोरे जिसमें कुल 600 पीस कपड़े, लेडीज सूट अनुमानित कीमत करीब 18 लाख रुपए बरामद हुई। उपरोक्त बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 411 भादवी की बढ़ोतरी की गई। आगरा से अनीस सैफी की रिपोर्ट। कोतवाली के संबंध में क्या मामला है सर? इसमें एक मुकदमा लिखा गया है 46/24 381 IPC में लिखा गया है, क्योंकि जो ये मुकदमा लिखा गया है इसका घटना स्थल 1 जुलाई के पहले का है और 4 जुलाई को वादी मुकदमा नितिन गोयल हैं जो यहाँ उन्होंने आके बताया कि इन्हीं की दुकान में रहने वाले अवनीश और आशीष इनके कपड़े के कई पार्सल चोरी करके ले गए हैं। इस पर मुकदमा करके थाने की टीम गश्त और तफ्तीश वगैरह कर रही थी। इसी दौरान 5/7/2024 को ये जब गश्त में मामूर थे तो मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त अवनीश को सिटी स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया और इसके कब्जे से लगभग 10 बोरे जिसमें 600 पीस लेडीज सूट थे जिनकी अनुमानित कीमत 18 लाख से बरामद किया गया। इसमें अभी दूसरा अभियुक्त जो है आशीष, ये अभी तक हमारी पकड़ से बाहर है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनी।